हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बेसिक रूल के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फायर सेफ्टी रूल है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेलीफोन पब्लिक बूथ है तो वहां पर जो है फायर डिपार्टमेंट का नंबर होना काफी जरूरी है, ताकि वहां पर इनकेस ऑफ इमरजेंसी में फायर डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो किसी को पूछने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो हर किसी को याद रहना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है जोर देना काफी जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्कप्लेस में अच्छी हाउसकीपिंग के ऊपर जो है हमेशा यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, और साइट पर वर्कप्लेस में जो भी पोटेंशियल डेंजर हो जिसकी वजह से जो है फायर हो सकता है, तो ऐसे को जो है वहां पर सबसे पहले रिमूव करना जो है काफी जरूरी है, और फिर उसके बाद ही जो है वहां पर काम करना है, ताकि यहाँ पर फायर जो है वो यहाँ पर साफ सफाई न होने के कारण जो है नहीं लगनी चाहिए। अब वर्कप्लेस में प्रॉपर हाउसकीपिंग को मेंटेन करने के लिए जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें जैसे कि वेस्ट पेपर हो गया उसको क्लीन करना जरूरी है, रबिश हो गया या फिर अदर जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है तो इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है क्लीन करना काफी जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इनफ्लेमेबल जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपर कंटेनर में जो है रखना काफी जरूरी है, साथ ही साथ उसको जो है सेपरेट ऐसे स्टोर करना है वो भी सेफ प्लेस में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है तो उसको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करना काफी जरूरी है। अब जो भी वहां पर अगर कोई भी अगर ओपन वायर्स है तो उसमें आपको चेक करना है कि किसी भी टाइप का जो है वहां पर कट वहां पर उस वायर को जो है नहीं होना चाहिए, और ये जो सारी चीजें है ये चेक करना है काम को शुरू करने से पहले। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि किसी भी सर्किट को जो है ओवरलोड नहीं होने देना है, जैसे कि किसी भी अप्लायंसेस का जो है आपको वहां पर यूज नहीं करना है कि जिसकी वजह से जो है कोई भी जो सर्किट है वो वहां पर ओवरलोड हो, या फिर वहां पर रिक्वायर हो कि लाइट को जो है वहां पर लाइटिंग करना है लेकिन उसकी वजह से अगर सर्किट जो है ओवरलोड हो रहा है तो वो भी जो है आपको वहां पर नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी ब्लोन फ्यूज होते हैं तो उस पर जो है बाय मिस्टेकली जो है कॉइन हो वायर हो या फिर मेटल से जो है उसको जो है रिप्लेस नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज में है तो उनको जो है टर्न ऑफ करना काफी जरूरी है, और ये जो रूल है ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर जहां पर आवश्यकता ना हो और वहां पर कैंडल या फिर लाइट जो है उसको वहां पर जलाकर जो है आपको नहीं छोड़ना है, जिस किसी जगह पर जो है अगर आप देखते हो कि कोई कैंडल या फिर लाइट जो है वो जल रही है और आपको जो है वो जगह अगर छोड़ना है तो सबसे पहले जो है आपको उसको बुझा देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हर किसी एम्प्लॉय ने जो है यहां पर नो स्मोकिंग जो साइन है उसको जो है स्ट्रिक्टली यहां पर फॉलो करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जलती हुई जो भी सिगरेट है उसको ऑर्गेनाइजेशन में जो है कहीं पर भी जो है ऐसे फेंक नहीं देना है, ना ही इसे डस्टबिन में जो है डालना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसी के कारण जो है कभी कभार जो है आग लग जाती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है तो उसके नियर बाय में जो है आपने कभी भी सिगरेट जो है वो नहीं स्मोक करना है, और इसको जो है कम्प्लीटली वर्क प्लेस में जो है बैन करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो आपने जो है वहां पर प्री जो फायर प्लान है उसको वहां पर फॉलो किया जा रहा है क्या, उसके बारे में जो है आपने श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं तो उनको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करना काफी जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपने हमेशा जो है फायर सेफ्टी के बारे में जो है अवेयर रहना काफी जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप फायर सेफ्टी के जो रूल्स है उसको जो है आप फॉलो करते हो तब। तो इस प्रकार जो है ये फायर सेफ्टी के बेसिक रूल्स है जो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर सेफ्टी के बेसिक रूल के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।